नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड गॉसिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रज्ञा मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से प्रेम करने वाली एक महिला पत्रकार है और उल्टा चश्मा यूसी की संस्थापक भी है। प्रज्ञा मिश्रा जी भारत समाचार न्यूज चैनल पर कटिंग चाय नामक एक पब्लिक शो करती है, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर लोगों की राय दिखाई जाती है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत वर्ष में प्रज्ञा मिश्रा अपनी अलग तरह की रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती हैं। प्रज्ञा मिश्रा ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन उत्तर प्रदेश में काम कर चुकी है तथा वह एक अच्छी थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। प्रज्ञा मिश्रा चुनाव में यूपी की 403 विधानसभाएं कवर करने वाली अपनी उम्र की एक लौती पत्रकार हैं। प्रज्ञा मिश्रा का जन्म 13 जनवरी 1994 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। प्रज्ञा मिश्रा लखनऊ के आलमबाग की रहने वाली हैं। इनके पिता का नाम सतीश चंद्र मिश्रा हैं, जो पेशे से एक म्यूजिक टीचर हैं। इनकी माताजी BHU से संस्कृत की लेक्चरार रह चुकी हैं। इनके करियर की बात की जाए तो प्रज्ञा मिश्रा ने अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई लखनऊ के अलग अलग स्कूलों से की है। इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से संबद्ध IISc से पत्रकारिता में डिग्री किया। अभी भी प्रज्ञा की आगे की पढ़ाई जारी है। पढ़ाई और काम के बीच प्रज्ञा मिश्रा थिएटर भी करती हैं। उन्होंने लखनऊ में कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ थिएटर किया है और अभी भी काम के बीच समय निकालकर थिएटर करती हैं। प्रज्ञा मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत नुक्कड़ नाटकों से की। समाज को जागरूक करने के लिए वो सड़क पर अपनी टीम के साथ लखनऊ में नुक्कड़ नाटक करती थी और लोगों को सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संदेश देती थी। नुक्कड़ नाटकों की रीच ज्यादा नहीं थी, एक बार में उनका संदेश 100 से 200 लोगों तक ही पहुंच पाता था। फिर प्रज्ञा मिश्रा ने डिजिटल दुनिया का सहारा लिया और अपने भाई के प्रोडक्शन हाउस में काम किया। 2017 में लखनऊ के हजरतगंज में नए नए खुले भारत समाचार न्यूज चैनल को तलाश थी एक निडर महिला पत्रकार की। चैनल के संपादक कटिंग चाय नाम का एक पब्लिक शो लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन लखनऊ में कोई भी महिला पत्रकार ऐसी नहीं थी जो इस जिम्मेदारी को निभा पाए। फिर चैनल के संपादकों को एक वीडियो दिखाई गई जो प्रज्ञा मिश्रा की थी। उस दौरान वो अपने भाई के प्रोडक्शन हाउस में काम कर रही थी। चैनल ने प्रज्ञा मिश्रा से बात की और वहीं से जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के इकलौते पब्लिक शो कटिंग चाय का। अवार्ड की अगर बात की जाए तो दिल्ली में प्रज्ञा मिश्रा को ENBA अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उनके प्रोग्राम कटिंग चाय के लिए दिया गया है। इस अवार्ड के साथ प्रज्ञा मिश्रा लखनऊ के इतिहास की इकलौती ऐसी पत्रकार बन गई जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।